सब्सक्राइब करिए विदिश कुकिंग को और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिश कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली बहुत ही टेस्टी ऐसी बनाना चॉकलेट केक की रेसिपी, और वो भी हम बनाएंगे व्हीट फ्लोर से। हम गेहूँ का आटा यूज़ करेंगे, हम मैदे का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बिना भी, सिर्फ गेहूँ के आटे से भी हम उतनी ही सॉफ्ट, उतनी ही जालीदार, बिल्कुल बाजार में मिलती है वैसी बनाना ब्रेड या बनाना चॉकलेट केक आप घर पे बना सकते हैं, माइक्रोवेव में बना सकते हैं, ओटीजी में या नॉर्मल गैस पे भी। आप किसी भी तरह के बनाइए, आपको रिज़ल्ट सेम मिलेगा। इतनी ही सॉफ्ट, इतनी ही स्पॉन्जी और एकदम जालीदार ऐसी बनाना चॉकलेट केक बच्चों की स्पेशली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। बड़े बच्चे कोई भी खा सकता है, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माइक्रोवेव को मैं प्रीहीट करने रख देती हूँ कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई को भी आप प्रीहीट करने रख दीजिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और अब यहाँ पे एक बार मैं ले रही हूँ ओवर राइप बनाना। जो बनाना आप जनरली फेंकना चाहते हैं वो ही वाले बनाना इसमें यूज़ करने हैं। जितना सॉफ्ट और राइप बनाना होगा उतना ही वो मीठा भी होगा, इसलिए हम शुगर का प्रपोर्शन भी कम रखेंगे। तो यहाँ पे मैं टोटल ले रही हूँ 2 बनाना, और दोनों बनाना को मैं इस तरह से मैश कर लूँगी। आप फोर्क की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर बनाना सॉफ्ट होगा तो बहुत ही जल्दी मैश हो जाता है, तो इसीलिए आप ओवर राइप बनाना ही लीजिए। और ये देखिए, मैंने बनाना को अच्छे से मैश कर लिया है, बीटर से बीट भी कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनाना है, इसलिए अच्छे से बीट भी हो रहे हैं। तो अब इसमें मैं ले रही हूँ 3/4 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मिल्क। ये मैंने मिल्क कच्चा नहीं लिया है, बॉईल करके फिर से रूम टेम्परेचर पे जाते हैं वो ही वाला लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है मेल्टेड बटर 4 टेबलस्पून। अगर आप बटर नहीं लेना चाहते तो आप ऑयल भी ले सकते हैं और वो भी प्रोपोर्शन सेम रहेगा 4 टेबलस्पून। तो यहाँ पे अब मैंने बटर, मिल्क और जो बनाना है उन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे जो फैट इन्ग्रीडियंट है उनको हम बहुत ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, और उसको भी मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और सारे वेट इंग्रेडिएंट मिक्स होने के बाद में अब इसमें हम रख देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक छलनी, और जिस कप से हमने मिल्क नापा था सेम कप, 1 कप मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा, 1/2 कप पाउडर शुगर, नॉर्मल शुगर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब इन सबको मैं बहुत ही अच्छे से छान लूँगी। अगर आप चाहें तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी प्रपोर्शन सेम ही रहेगा, पर मैं यहाँ पे नॉर्मल जो हम गेहूँ का आटा रोटी बनाते हैं वही वाला लिया है। और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके गेहूँ के आटे में मिल्क ज़्यादा पी लिया है और आपका बेटा बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, तो आप 1 से 2 चम्मच मिल्क और बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब देखिए हमारा बैटर जो है परफेक्ट कंसिस्टेंसी का है, ना बहुत ज़्यादा रनी और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। तो आप एक बार इस तरह की कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए, और उसके बाद में मिल्क ज़्यादा अगर चाहिए तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा बैटर परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो अब मैं लास्ट में इसमें डाल दूँगी विनेगर। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून विनेगर डाल देती हूँ, और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ओवर बीट बिल्कुल भी नहीं करना है, एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए बस उतना ही करना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। बैटर हमारा परफेक्टली रेडी हो चुका है, और इसी तरह की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रनिंग कंसिस्टेंसी का। तो ये देखिए आप देख सकते हैं परफेक्ट इसी कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी कीजिए। अगर ज़्यादा थिक है तो 1-2 चम्मच मिल्क और डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3/4 कप में परफेक्टली रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे मेरे पास ही इस तरह का टिन, आपके पास जो शेप का टिन अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टिन में लगा लूँगी हल्का सा ऑयल। अगर आप यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बटर पेपर का, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से सब जगह अच्छे से ऑयल लगा करके हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए, गेहूँ का आटा स्प्रिंकल कर लीजिए, और बाद में बैटर पोर कीजिए, तब भी
रिजल्ट सेम ही आएगा, तब भी बहुत ही आसान तरीके से जो केक है वो निकल जाएगी टिन में से। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगाने के बाद में बटर पेपर लगाने से बटर पेपर अच्छे से स्टिक हो जाता है पैन टिन को। तो ये देखिए टिन हमारा परफेक्टली रेडी है। तो अब मैं जो केक बैटर हमने बनाया था वो इसमें डाल दूँगी, पॉर कर दूँगी और सारा बैटर अच्छे से डालने के बाद में हम इसको एक बार ज़रूर से ट्रैप करिएगा ताकि कोई कोई बबल्स है या कहीं पे अच्छे से इवन स्प्रेड नहीं हुआ हुआ है बैटर, तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से अच्छे से इसको टैप कर लीजिए। और अच्छे से टैप करने के बाद में यहाँ पे मैं डालनी हूँ वॉलनट्स। बनाना चॉकलेट के साथ में वॉलनट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो वॉलनट को अंदर भी डाल सकते हैं बैटर में भी। यहाँ पे मैं ऊपर से डाल रही हूँ और वॉलनट डालने के बाद में भी एक बार हम इसको ज़रूर से टैप कर लेंगे ताकि वॉलनट जो है हल्के से नीचे बैठ जाए। और अब हमारा माइक्रोवेव हो चुका है प्री, तो यहाँ पे मैंने ग्रिलिंग रैक के ऊपर टिन को रख दिया है और इसको मैं पहले ही रख रही हूँ कन्वेक्शन मोड पे 25 मिनट के लिए। और उसके बाद में मैंने 5-5 मिनट करके दो बार और रखा था कुक करने के लिए। टोटल मुझे लगे थे 35 मिनट। तो आप भी अपने माइक्रोवेव की कैपेसिटी के हिसाब से कम ज़्यादा टाइम चेक कर लीजिए। सबसे पहले 25 मिनट्स रख लीजिए, उसके बाद में चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 मिनट के बाद में मैंने 5 मिनट और रखा है और 5 मोर मिनट्स और रखा है। टोटल 35 मिनट्स में मेरी जो केक है वो परफेक्टली रेडी हो चुकी थी। और ये देखिए हम एक टूथ पिक से एक बार चेक करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से एकदम क्लीन निकल आ रही है। तो हमारी जो केक है वो परफेक्टली कुक हो चुकी है, पर ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको मैं कपड़ा ढक करके इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी। केक जो है हमारी रूम टेम्परेचर पर परफेक्ट ठंडी हो चुकी है। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से बटर पेपर से निकल जा रही है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं बहुत ही जालीदार टेक्स्चर बनाया है। और अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से कट भी हो जाती है और परफेक्ट स्लाइसेस निकल रही हैं, टूटती भी नहीं है और ना ही एकदम चिपक चिपक के बन गई। परफेक्ट टेक्सचर वाली हमारी जो स्लाइसेस है वो रेडी हो जाती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सॉफ्टनेस, बहुत ही ज़्यादा हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट बनाना चॉकलेट ब्रेड बन करके रेडी है। बच्चे तो इसके दीवाने होते ही हैं, बच्चों को ऑब्वियसली चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बनाना भी पसंद आता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम ऐसी तरह की जालीदार टेक्सचर वाला हमारा जो केक है वो रेडी होगा। और बच्चों को टिफिन बॉक्स में दीजिए, लंच बॉक्स में दीजिए, किसी में भी दे सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।